आखिरकार सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अति दुर्गम व काला पानी के नाम से मशहूर नागलंबर क्षेत्र के निवासियों को सड़क सुविधा मिल गई। सड़क निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद बुधवार को विधायक राजेंद्र राणा ने ग्राम पंचायत चलहो में 3.5 किलोमीटर लंबी धैल नागलंबर सड़क का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। इससे पहले विधायक राजेंद्र राणा के अथक प्रयासों से ग्राम पंचायत रंगड़ के गाँव सन्नू व द्राटी भी सड़क से जोड़ दिए गए हैं। वर्षों से क्षेत्र के लोग धैल नागलंबर सड़क के बनने का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद वर्ष 2012 में राजेंद्र राणा ने निर्दलीय विधायक बनने के बाद क्षेत्र की इस समस्या को भांप कर इसके लिए कार्य शुरू किए। डीसी हेड पर सड़क निर्माण के लिए 7 लाख रुपए भी मंजूर उन्होंने उस समय करवाए थे, और जिसके बाद सड़क को विधायक प्राथमिकता में डालकर तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के द्वारा नाबार्ड से 2,47,00,000 रुपए स्वीकृत कराए गए थे। काले पानी के नाम से मशहूर नागलंबर से सड़क सुविधा के पहले 3-4 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ता था। यहाँ के लोग सड़क ना होने व जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के चलते धीरे धीरे दूसरी जगह पलायन करने भी लग पड़े थे। गाँव वासियों ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व विधायक राजेंद्र राणा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनके गाँव को काला पानी की संज्ञा से निजात मिलेगी। इस मौके पर कई बुजुर्ग भावुक भी हुए और कहा कि ये चीज उन्होंने सपने में भी नहीं देखी थी। उन्होंने कहा कि अब तक कई विधायक आए, उन्हें चुना, लेकिन विधायक राजेंद्र राणा ने बिना किसी स्वार्थ के जनप्रतिनिधि बनकर उनकी समस्या का निपटारा किया है, जिसके लिए वे हमेशा उनके आभारी रहेंगे। कि जिसको काला पानी कहा जाने वाला जो एरिया था वो सड़क के माध्यम से जुड़ गया है और इस सारी इस काला पानी को जो जुड़ने का जो श्रेय है वो हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राणा जी को जाता है, जिनके प्रयासों से ये कार्य जो है वो पूर्ण रूप हुआ है, कार्य जो पूर्ण रूप से हुआ है, और आगे भी राणा जी ऐसे कार्य जो है वो करते रहेंगे। यही इनका जो है वो हर समय जो है प्रयास रहता है, ताकि जनता की जो है वो सेवा जो है वो इनकी सर्वोपरि है। आप सब से विनम्र प्रार्थना यही है कि आने वाले समय में जब भी राणा जी की सहायता की जरूरत पड़े, यानी इलेक्शन में, तब आपने राणा जी को जो है वो अच्छे वोटों से जो है वो जिताना है, ताकि आने वाली सरकार में इनका जो रुतबा है वो और भी ज़्यादा बढ़े और फिर वो भी किया जाए। विधायक राजेंद्र राणा ने सड़क सुविधा मिलने पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए नागलंबर से महलडू बाया बंडोवा मकरीडी संपर्क सड़क को विधायक प्राथमिकता में डालने की घोषणा की। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य समग्र विकास करवाना है। उन्होंने कहा कि पहली बार विधायक चुनने के बाद जब उन्हें इस क्षेत्र की समस्या का पता चला था तो वे काफी दुखी हुए थे। उन्होंने इस सड़क को बनाने के लिए जो प्रयास किए आज वो सफल हुए हैं।